Hi, this is Sonu Kakkar and uh, I am here to dub a beautiful song. Uh, काफ़ी रेट्रो फील का ये सॉन्ग है साजन अग्रवाल जी के लिरिक्स हैं और देव सिकदर uh, जी का म्यूज़िक है और uh, सॉन्ग में एक जो मैंने बताया कि रेट्रो फील है काफ़ी uh, पुराना अंदाज़ है लेकिन आज के एरा का म्यूज़िक है तो जो कुल मिला के सॉन्ग है बहुत ही डिफरेंट साउंड कर रहा है बहुत बहुत न्यू एज साथ में उसका फील रेट्रो भी है तो एक इट्स अ गुड मिक्स ऑफ रेट्रो एंड न्यू एज मैम टाइप की मेलोडी सॉन्ग में हाँ जी वही मैंने बताया कि जो मेलोडी है वो ओल्ड स्टाइल है रेट्रो स्टाइल है और जो म्यूजिक है वो आज का है तो जो बेसिकली जो मिक्स जिस तरह से किया है वो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है तो मैम आप इस फिल्म के बारे में कुछ आप कहना चाहोगे मैम किस टाइप की मूवी है आपको कैसे इंस्पायर किया इसका मूवी प्ले गाने के लिए आ, पहले तो टाइटल अगर आप सुने गेम पैसा लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है तो मुझे एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि साजन अग्रवाल जी जो मेरे बिल्कुल ब्रदर जैसे हैं उनके लिए जब भी गाती हूँ तो आ, उनके लिए जब भी मैं गाती हूँ तो एक अलग मुझे घर घर का माहौल लगता है जहाँ भी रिकॉर्डिंग होती है तो बहुत अच्छा फील होता है और ये फिल्म उनकी पर्सनल फिल्म है तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड वेरी हैप्पी मैम रेट्रो मिक्स मतलब बहुत पुराना टाइप का गाना हो गया मैम और आपने भी ऑलरेडी पहले, पहले गाना गा चुके थे मैम हाँ अभी जी आजकल म्यूजिक रैप के सबके तो मैम आप क्या कहना चाहोगे मैम कि अभी रेट्रो म्यूजिक आप कर रहे हो अभी रैप का जमाना है तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिएट नहीं होगा मतलब आपका उसका म्यूजिक लेकर नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि ज़माना है हाँ जैसे आप कह रहे हैं रैप का ज़माना है बिल्कुल ऑडियंस के लिए हर तरह की हर तरह की वैरायटी है आ, ये गाना रेड्रो है तो क्या हुआ और अलग बल्कि अलग साउंड करेगा तो और अच्छी बात है ऑडियंस को एक वैरायटी मिलती है आ, अलग अलग तरह की सॉन्ग मिलने आ, मिलते हैं तो और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है उनको बल्कि हर हर कोई अगर एक तरह का म्यूज़िक करता रहेगा तो फिर ऑडियंस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ उनको मिलती रहेगी ऐसे उनको एक आईटी मिल रही है जॉनराज अलग अलग रेट्रो रैप जो भी देसी स्टाइल अलग अलग रोमांटिक आजकल की जनरेशन एक्चुअली अच्छा रैप को ज्यादा बिलीव करती है मैम और रेट्रो फिलहाल आप, आपको क्या लगता है उसके कंज्यूमर्स हैं मैम रेट्रो रेट्रो के बिल्कुल अभी भी देखिए आप कोई भी पुराना गाना उठा के देखें सु, मतलब सुने तो जो पुराने गानों की जो मेलोडी होती थी वो इतनी स्ट्रॉग होती थी जो हम आज भी सुने तो हर गाने की हर गाने को सुनकर यू you नो know, बहुत हम ताज़ा फील करते हैं बहुत ताजा महसूस करते हैं इतने सालों के बाद भी आज भी अगर कोई पुराना गाना सुने तो क्यों वो इतना ज्यादा अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज उसकी मेलोडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी मीठी इतनी मधुर होती थी कि बार बार सुनने का मन करता है